वेलकम डियर स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूमेरिकल टेक्निक्स में रेगुलर फॉल्सी मेथड को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कम्प्लीट दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू रिकॉल द रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू अप्लाई द रेगुलर फॉल्सी मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए इक्वेशन। सो अगेन स्टूडेंट, ये अनदर मेथड है, जिस तरह से बाइसेक्शन मेथड हम लोग डील किए थे, नाउ यहाँ पे क्या है, मेथड है रेगुलर फॉल्सी, जिसको जनरली नोन एज फॉल्स पोजिशन मेथड। रेगुलर फॉल्सी दैट मीन्स आप कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड या मेथड ऑफ फॉल्स पोजिशन। सो दैट मीन्स हम ट्रायल करेंगे, कुछ एरर्स आएगी और उस ट्रायल को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो ओवरऑल सबसे पहली बात तो सिनेरियो बाइसेक्शन मेथड से किस हिसाब से ये चेंज है या क्या इसमें चेंज है उसको समझते हैं। सो बाइसेक्शन मेथड में क्या है, एक फंक्शन दे दिया गया था और एक इंटरवल दिया गया था, हम इंटरवल को बाइसेक्ट कर रहे थे और फिर फर्दर हम प्रोसेस कर रहे थे। नाउ यहां पे क्या है, रेगुलर फॉल्सी मेथड, इसको हम लोग जनरली क्वाड मेथड भी कहते हैं। रेगुलर फॉल्सी मेथड में फंक्शन दे दिया जाएगा, आपको इंटरवल भी दे दिया जाएगा, लेकिन जो न्यू आपके पास रूट्स है वो डायरेक्ट एक वे से हम लोग निकालते हैं, जिसको हम लोग क्वाड वे कहते हैं। डायरेक्ट हम एक्स वन निकालेंगे या कह सकते हैं एक्स नॉट निकालेंगे, उसमें बाइसेक्ट इंटरवल को बाइसेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट एक्स वन निकालेंगे। लेकिन अभी भी प्रोसेस हम वही यूटिलाइज करेंगे कि जो एक्स वन आया है इटरेटिव प्रोसेस से या रेगुलर फॉल्सी मेथड से, उसको हम लोग फर्दर चेक करेंगे कि वो इंटरवल, जो क्योंकि फिर से ब्रैकेटिंग द इंटरवल्स तो कॉन्सेप्ट होगा ही, रूट्स ऑलवेज लाइव इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। सो एक्स वन का हम क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे, और ए और बी जो इंटरवल दे रखा था उसका भी साइन चेक करेंगे। सो रूट्स या तो ए और एक्स वन में होगा या एक्स वन से बी में होगा, कॉन्सेप्ट ये भी यूटिलाइज करेंगे जो बाइसेक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स जो मेन कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है, फंक्शन ऑलवेज रूट्स ऑलवेज लाइव इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। बस यहाँ पे रेगुलर फॉल्सी दैट मीन्स मेथड ऑफ फॉल्स पोजिशन क्या है, हम डायरेक्ट वो एक्स वन की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट मीन्स जो ट्रायल वैल्यूज, तो एक्स वन क्या है, हमारा लिए ट्रायल है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली निकाल लेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि वैल्यू फंक्शन की किस इंटरवल में लाई कर रही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, रूट्स ऑलवेज लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। सो आई होप स्टूडेंट, इस आउटकम्स में हम लोग क्या क्या डील करेंगे। सबसे पहली बात तो रेगुलर फॉल्सी मेथड होता क्या है, जो उसका फॉर्मुलेशन है वो किस तरह से जनरेट हुआ है क्वाड मेथड के अकॉर्डिंगली, और फिर हम लोग देखेंगे किस तरह से अप्लाई किया जाता है रूट्स को फाइंड आउट करने में। तो आइए, रेगुलर फॉल्सी मेथड क्या होता है। तो अगेन रेगुलर फॉल्सी मेथड के लिए सबसे पहली बात तो क्या है, ये भी रूट्स फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ये मेथड भी रूट्स फाइंड आउट करने में ही हमें रूट्स फाइंड बताता है, किसकी, एल्जेब्रिक हो या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो। सो सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है कोई फंक्शन आपका। नाउ रेगुलर फॉल्सी के लिए भी आपको एक इंटरवल दे रखा होगा ए टू बी, इस तरह से बाइसेक्शन में दिया हुआ था। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो और इंटरवल ए टू बी में है, आपको रूट्स फाइंड करना है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या हो, जीरो हो इस इंटरवल में, तो एक रूट फाइंड आउट करना है। सो ओवरऑल इसको क्वाड मेथड या मेथड ऑफ फॉल्स पोजिशन या फॉल्स पोजिशन मेथड भी कहते हैं। क्वाड मेथड क्यों किया कहा जाता है, और ट्रायल एंड एरर जिसको रेगुलर फॉल्सी दैट मीन्स ट्रायल एंड एरर मेथड क्यों कहा जाता है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहली बात तो बाइसेक्टिंग से इसको जो है बाइसेक्शन मेथड से इसको कंपेयर करने की कोशिश करें। बाइसेक्शन मेथड में क्या था, इंटरवल था, आप एक्स वन डिटरमाइन कर लीजिए, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इंटरवल को बाइसेक्ट करके, यानी कि एक्स की वैल्यूज आपके पास पता चल जाती है, यानी जो फर्दर वैल्यूज है रूट है अपडेट जो जिसको हम लोग करेंगे उसकी वैल्यू आपको पता चल जाती है। उसके बाद हम एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट और या एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ बी साइन चेक कर लेते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो नेगेटिव होता है साइन चेक प्रोडक्ट का उसके बीच में रूट लाई करता है, ये प्रोसेस है बाइसेक्शन मेथड का। नाउ इस प्रोसेस में हम डायरेक्ट हम कोई इंटरवल को बाइसेक करते नहीं है, हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं एक्स नॉट, डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं एक्स वन, या आप कह सकते हैं जो फर्स्ट वैल्यू है वो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, वो किस वे से करते हैं उसको समझते हैं। तो इसके लिए हम एक क्या लिए, y cos f of x एक कर्व लिए और ये दिख रहा है आपको x एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी कि इसका रूट्स है, हम क्या ले रहे हैं एक दो पॉइंट्स x पे ले रहे हैं, या आप कह सकते हैं इंटरवल जो गिवन रहता है वो दे रहे हैं। तो पर्टिकुलर हम सॉल्व या क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व करेंगे या मेथड क्या होता है, किस तरह से जनरेट हुआ है, सो सपोज आपके पास एक इंटरवल दे रखा है x के सेट से और एक इंटरवल दे रखा है एक्स के प्लस वन, इंटरवल इन द सेंस आपको रूट्स फाइंड करना है एक्स के और एक्स के प्लस वन के बीच में। तो हम लोग जनरल मेथड यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ए बी करते तो वहां पे एक्स नॉट एक्स वन लेना पड़ता, तो एक जनरल वे निकालने के लिए, जनरल मेथड निकालने के लिए हमने इंटरवल क्या लिया, एक्स के से एक्स के प्लस वन। ओके, सो एट एक्स से एक्स के, लेट से हमारे लिए यहां पे कोई क्या है वैल्यूज एफ ऑफ एक्स के, और इस एक्स के प्लस वन के लिए हमारे लिए वाई एक्सिस पे क्या है, इस पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम लोग पी और क्यू नाम दे देते हैं, और इसका एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं पी और क्यू को जो मीट कर रहा होगा, लेट से दिस इज योर लाइन बिटवीन पी एंड क्यू। ओके, पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट
एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स के कॉमा एफ ऑफ एक्स के हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है, क्या होता है एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो एक्स के और एक्स के पे फंक्शन की वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स के। ओके, क्यू का कोऑर्डिनेट भी अगर देखा जाए तो क्या है एक्स की वैल्यू क्या है एक्स के प्लस वन, और y पे वैल्यू f ऑफ x है, f ऑफ x में क्या रख रहे हैं आप xk प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ xk प्लस वन। नाउ हमारे लिए p था q था, ये इंटरवल था। अब इसको सोचिए कि रूट्स में किस तरह से, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो pq जो लाइन सेगमेंट है, हम ऐसा पॉइंट ढूंढने जा रहे हैं कर्व पे, कर्व पे ऐसा पॉइंट ढूंढने जा रहे हैं जिससे हमारा जो कर्व पे जो टेंजेंट हो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी वही रूट्स का क्या हो जाएगा रूट्स हो जाएगा। तो एक्स के पैरेलल होने के लिए हम क्या करेंगे वाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो हम वैसी लाइन सेगमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पी और क्यू केवल नोन है, ऐसी लाइन सेगमेंट निकालने की कोशिश करेंगे सच दैट कि उसका स्लोप, स्लोप इन द सेंस जो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है उसका स्लोप क्या हो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा आप कह सकते हैं वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके लिए सिंस हम क्या कर सकते हैं स्लोप का डेफिनेशन यूटिलाइज कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट के लिए। तो लाइन के लिए स्लोप, हम इस लाइन के लिए स्लोप लिख सकते हैं, हम पर्टिकुलर पी क्यू की लाइन क्या लिख सकते हैं। तो स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है, अगर दो पॉइंट है हमारे लिए एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, दो पॉइंट यानी कि जिससे लाइन पास हो रही है, तो इसका स्लोप किस हिसाब से लिखते हैं हम लोग, स्लोप इज वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ये स्लोप लिखने का तरीका, दो लाइन दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, नाउ दिस इज स्लोप। और ये पता है कि अगर हम एक स्लोप की वैल्यू पता चल जाए और इंटरसेप्ट की वैल्यू पता चल जाए तो हम इस लाइन की वैल्यू लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं इस लाइन की वैल्यू जो है आप लिख सकते हैं अगर ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा हो और जिसका स्लोप पता है, तो यानी वन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग किसके लिए, लाइन की इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हम पी क्यू की लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी हमारे लिए अगर हम पॉइंट एक्स के ले रहे हैं और जिसपे वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स के, इससे वो लाइन पास कर रही है, और स्लोप हमारे लिए क्या है एम की वैल्यू क्या है, स्लोप, स्लोप को हम जनरली एम से यूटिलाइज करते हैं, वो क्या है वाई टू माइनस वाई वन ओवर वाई टू इन द सेंस एफ ऑफ एक्स के प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स के। हमारे लिए वाई क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के, कह सकते हैं आप एफ ऑफ एक्स के प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स के ओवरऑल एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के, ये हमारे लिए स्लोप हो जाएगा क्योंकि वाई टू यानी कि हमारे लिए आपके देख रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स के प्लस वन माइनस वाई वन एफ ऑफ एक्स के डिवाइड बाई लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के। नाउ वन पॉइंट पता है स्लोप पता है, तो वन पॉइंट और स्लोप का फॉर्मूलेशन क्या यूटिलाइज करते हैं, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप एम एक्स माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है पासिंग थ्रू एक्स के कोमा एफ ऑफ एक्स के एंड हैविंग स्लोप दिस। सो इसको यूटिलाइज कर लें, सो ओवरऑल हमारे लिए इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या हो गई, वाई माइनस वाई वन, वाई वन की जगह एफ ऑफ एक्स के इक्वल टू एम, एम की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स के, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट एंड एप्सिसा, एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के, एम की वैल्यू रख लिया एक्स माइनस एक्स वन। सो हमने पॉइंट ये कंसिडर किया था, अब पॉइंट एक्स के प्लस वन और एफ ऑफ एक्स के प्लस वन भी पॉइंट कंसिडर कर सकते, लेकिन ये पॉइंट एक्स के और एक्स के प्लस वन में था इसलिए ऐसा पॉइंट कंसिडर किया। नाउ ये स्लोप किसकी है पी क्यू, हमें किस लाइन की स्लोप चाहिए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि वो स्लोप चाहिए जिसमें आप कह सकते हैं उसके लिए इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू जीरो हो जाए तो दैट मीन्स क्या होगा, वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन है। नाउ इस जो हमारे लिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें y की वैल्यू जीरो पुट कर लीजिए, सो y की वैल्यू जीरो क्यों, फॉर रूट्स, रूट्स के लिए x एक्सिस के पैरेलल के लिए रूट्स कट कर रहा, तो y की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू जैसे जीरो हो, अब यहां से हम x के प्लस वन में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, या आप कह सकते हैं इटरेटिव प्रोसेस हो जाएगी एक्स के प्लस वन जो एक्स के फॉर्म में हो, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जैसे ही वाई इक्वल टू जीरो पुट किया उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना था, तो क्या हो गया जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल टू दिस वन, सबको हम लोग एक तरफ कर लिए, तो एक्स माइनस एक्स के को हम लोग इस टाइप का फंक्शन में लिख सकते हैं। नाउ एक्स की वैल्यू यहां से डिटरमाइन कर रहे हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा एक्स के, एक्स माइनस एक्स के को हम लोग
लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलेगा तो क्या हो गया, पॉजिटिव x के माइनस ऑफ होल सिस्टम। सो x के माइनस ऑफ होल सिस्टम, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किए, सो ओवरऑल x की वैल्यू क्या हो गई, x के f ऑफ x के प्लस 1 माइनस x के प्लस 1 f ऑफ x के डिवाइड बाय f ऑफ x के प्लस 1 माइनस f ऑफ x के। नाउ स्टूडेंट, ये जो x है यही आपका क्या हुआ, न्यू रूट। सो ये न्यू रूट हुआ। फर्दर अब इस x पे जो आपके पास कह सकते हैं, इसको हम लोग न्यू रूट को क्या कह सकते हैं, इसको x को x के प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि x के और x के प्लस 1 यूज कर चुके हैं, तो इसको हम लोग x के प्लस 2 लिख सकते हैं। तो x के प्लस 2 क्योंकि इटरेटिव के अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं, तो आप x की वैल्यू ये लिख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे लिए क्या हुआ, ये नया रूट हुआ। x के और x के प्लस 1 आपके पास ऑलरेडी था, इंटरवल था, तो x को x के प्लस 2 लिख रहा है, तो ओवरऑल x को x के प्लस 2 लिख रहा है, तो ओवरऑल यही सिनेरियो हो गया, x के f ऑफ x के प्लस 1 माइनस x के प्लस 1 f ऑफ x के ओवरऑल f ऑफ x के प्लस 1 माइनस f ऑफ x के। सो आप चाहे तो k प्लस 2 को k प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते थे, यानी कि x के प्लस 1 अगर लिखते तो क्या होता है, x के माइनस 1 f ऑफ x के माइनस x के माइनस 1 x के f ऑफ x के माइनस 1 ओवरऑल f ऑफ x k माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन, दैट्स ऑल। तो ओवरऑल जान इस तरह से रिमेंबर रखा जाता है, एफ ऑफ एक्स के प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स के, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स के प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स के, और एक्स के प्लस वन का कोफिशियंट एक्स के और एक्स के का कोफिशियंट एक्स के प्लस वन। सो ओवरऑल यही आपका क्या है, रेगुलर फॉल्सी मेथड है। सो दैट मीन्स आपके पास जो भी इंटरवल दिया रखा दिया जाएगा उससे आप क्या निकालेंगे, न्यू रूट निकालेंगे इस एक्स की वैल्यू। तो आपके पास एक्स के और एक्स के प्लस वन ऑलरेडी रहेगा, जस्ट फंक्शन में पुट करेंगे आप x के प्लस 2, हमारे लिए x के प्लस 2 आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जैसे ही x के प्लस 2 आ जाएगा, उसके बाद फर्दर आपको सोचना क्या है, आपको तो ये तो पहले चेक कर चुके हैं कि रूट जो है या f ऑफ x के की वैल्यूज और f ऑफ x के प्लस 1 की वैल्यूज, या इन द सेंस आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ x के इंटू f ऑफ x के प्लस 1, ये ऑलरेडी हम जो है देख चुके होते हैं ये लेस देन 0 होना चाहिए, तभी आप कह रहे हैं कि रूट्स लाइज बिटवीन x के एंड x के प्लस 1। तो अगर ऐसा होता है कि रूट लाइज बिटवीन एक्स के एंड एक्स के प्लस वन, देन जो आपका सेकंड स्टेप है, आप क्या निकालेंगे, डिटरमाइन या जो मेथड ऑफ रेगुलर फॉल्सी को यूटिलाइज करके एक्स के प्लस टू निकालेंगे, यूज द रूल और द फॉर्मूला, इससे आप क्या निकालेंगे एक्स के प्लस टू, और जैसे ही एक्स के प्लस टू निकल आएगा फिर से आपका इंटरवल बाइसेक्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं, ब्रैकेट कर सकते हैं कि या तो रूट क्या होगा एक्स के और एक्स के प्लस टू में हो, या हो सकता है रूट्स जो है आपका x के प्लस 2 और x के प्लस 1 में हो। तो अगेन आपने बाइसेक्ट कर लिया x के को और x के प्लस 2 को देख लेंगे, और x के प्लस 2 और x के प्लस 1, और फिर फर्दर इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट, रूट्स ऑलवेज लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। सो दैट मींस आप क्या इंटरवल चेक करेंगे, f ऑफ x के इनटू f ऑफ x के प्लस 2, साइन अगेन चेक करना है हमें इनका प्रोडक्ट, फिर क्या होगा f ऑफ x या f ऑफ x के प्लस 2 इनटू f ऑफ x के प्लस 1, इसका प्रोडक्ट चेक करके, लेट से अगर ये लेस देन जीरो आता है ये ग्रेटर देन जीरो आता है, तो यानी कि अब जो रूट्स होगा एक्स के और एक्स के प्लस टू के बीच में होगा इन जनरल, या आपके पास जो इंटरवल है वो एक्स के न्यू एक्स के है और एक्स के प्लस टू है, ओवरऑल फिर से आप प्रोसेस को यूज करेंगे, यानी एक्स के प्लस थ्री यूज करेंगे, और अब एक्स के की जगह और एफ ऑफ एक्स एक्स के प्लस टू की जगह ये यूज करेंगे, यानी कि अब जो इंटरवल है वो एक्स के और एक्स के प्लस टू है, यानी हम रूट्स इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ओवरऑल बाइसेक्शन मेथड के कॉन्सेप्ट को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कैलकुलस के मेथड को कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन इसमें जो चेंजेस होता है ये डायरेक्ट वैल्यू दे देता है, आप कह सकते हैं एक्स के और एक्स के प्लस वन में के बीच में, या बीच में ये कहीं भी वैल्यू हो सकता है। तो बाइसेक्शन में हम बीच में वैल्यूज निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं, लेकिन इस रेगुलर फॉल्सी में ये दैट्स अ ट्रायल मेथड, हम डायरेक्टली एक एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं और फिर चेक करते हैं ये जो पर्टिकुलर जो ट्रायल हमने किया है ये एक्स की वैल्यूज प्रोडक्ट करते हैं, जो भी हमारे पास इंटरवल दे रखा होता है उन दोनों के ईच इंटरवल्स के प्रोडक्ट से, और ये देख लेते हैं वो लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, और फिर फर्दर हम इसी स्टेप को आगे इटरेट करते हुए चले जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड और बाइसेक्शन मेथड से किस तरह से सिमिलरिटीज रखता है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट आई होप आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है क्लियर हो गया होगा, किस वे से निकालते हैं क्वाड मेथड के अकॉर्डिंगली क्या फॉर्मुलेशन होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा, बाइसेक्शन मेथड से कहाँ क्या क्या सिमिलरिटीज होती है। तो बाइसेक्शन मेथड में भी हम चेक करते हैं कि रूट्स लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे भी हम रूट्स लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू का जो है चूज करते हैं।
फर्क बस इतना होता है बाइसेक्शन में हम जो पॉइंट है जो रूट्स है वो डायरेक्ट मिड पॉइंट हो जाता है किसका इंटरवल्स का। यहाँ पे जो वो पॉइंट है वो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग द रूल और यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड। नाउ स्टूडेंट अब हम लोग सेकेंड आउटकम अचीव करने जा रहे हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड को किस तरह से अप्लाई किया जाता है क्योंकि हम लोग ये देख लिए फॉर्मेशन क्या होता है किस तरह से डील करते हैं। नाउ एक पर्टिकुलर इक्वेशन लेंगे और किस तरह से सॉल्व करते हैं या रूट्स फाइंड आउट करते हैं यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड इसको देखते हैं। तो सपोज हमारे लिए क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड इन 0 to 1। तो स्टूडेंट क्वेश्चन हो सकता हो डायरेक्ट इंटरवल नहीं दे रखा हो सकता हो आपको इंटरवल फाइंड आउट करना हो किस इंटरवल पे रूट्स हो सकता हो। तो आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले अगर इंटरवल भी ना दे रखा होगा तो आप इन जनरल 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -1, -2, -3 आप वैल्यू पुट करके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डिटरमाइन कर लें। तो सपोज हम क्या करते हैं 0, 1, 2, 3 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चेक करते हैं अगर इंटरवल हमारे पास नोन नहीं रहता तो। अगर पूछा जाता है ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी रूट्स बताइए या किस इंटरवल में रूट्स होगा ये बताइए और वो स्मॉलेस्ट इंटरवल बताइए। सो 0 पे वैल्यू अगर देखें तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव 1। 1 पे अगर वैल्यू करें 1 -3 +1 नेगेटिव। तो कुछ इस तरह सिनारियो है कि x की वैल्यूज आप रखते जा रहे हैं और f ऑफ x कुछ इस टाइप से हो रहा है। आपको यह बताना है कि रूट्स किस किस इंटरवल में लाई करेगा। तो रूट्स ऑलवेज लाइट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है यानी कि एक रूट किस में होगा 0 से 1 में हो सकता है। फर्दर क्या और रूट्स हो सकता है तो आपको फर्दर फिर से दिख रहा है कि एक रूट स्टिल पॉसिबल है कहां से कहां तक 1 और 2 के बीच में यानी कि दो रूट्स है एक रूट तो 0 और 1 के बीच में और दूसरा रूट 1 to 2 के बीच में लेकिन और 2 और 3 के बीच में कोई रूट्स नहीं मिलेगा नो रूट्स बिकॉज दोनों पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है पॉजिटिव है। तो स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं इंटरवल नहीं दे रखा होगा तो आप रूट्स फाइंड आउट करेंगे और अगेन क्वेश्चन पूरा जो एग्जैक्टली नहीं बताया कि एक ही रूट फाइंड आउट करें या दोनों इंटरवल फाइंड आउट करें। सो आपको कोई भी एक रूट 1 से 2 में आप सॉल्व कर सकते हैं या 0 से 1 में सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम 0 से 1 में सॉल्व कर रहे हैं आप जो है 1 से 2 में भी इसका रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रेगुलर फॉल्सी मेथड को यूज करने के लिए 0 एंड 1 इंटरवल में दिस फंक्शन x³ - 3x + 1। तो हमारा फॉर्मेशन क्या है xk+2 xk f(x)k+1 - xk+1 f(x)k / f(x)k + 1 - f(x)k। याद रखने का तरीका क्या था नीचे आप डिनोमिनेटर याद रखेंगे f(x)k + 1 - f(x)k ऊपर भी f(x)k + 1 - f(x)k हो जाता है लेकिन उसका प्रोडक्ट x के साथ और दूसरे का प्रोडक्ट xk+1 के साथ करेंगे। नाउ सिंस अब इंटरवल पता है और इटरेटिव मेथड से किस हिसाब से सॉल्व करते हैं तो हम x0 को 0 मान लेते हैं और x1 को 1 मान लेते हैं। हमने क्या माना x0 को 0 x1 को 1। तो ओवरऑल इस स्टेप को यूटिलाइज करने के लिए हम k की वैल्यू इसमें 0 पुट कर लें और जब स्टार्ट करने के लिए k की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे। तो पहले अब k की वैल्यू 0 पुट कर लें इसमें तो आपके लिए क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा न्यू रूट अपडेटेड रूट वो क्या हो जाएगा xk। सो xk की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो जहां k है वो 0 जाए k प्लस n है 1 है वहां क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो ओवरऑल जो फॉर्मुलेशन है वो क्या यूटिलाइज करेंगे x2 = x0 f(x)(x1f(x)0 / x1 f(x)(x1f(x)0। सो दैट मींस x0 पता है x1 पता है और f(x) का आपको फेस ही पता है सकल ही पता है। अब क्या करेंगे एक बार 0 पुट करेंगे एक बार 1 पुट करके क्या निकाल सकते हैं f(x)1 और f(x)0। तो ओवरऑल इस x0 और x1 की वैल्यू 1 अगर यहां पुट करते तो ओवरऑल फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा तो सिंस x0 ही 0 था तो एक टर्म तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल x2 की वैल्यू क्या डिटरमाइन होगी -f(0) / f(1) - f(0। तो x0 0 पता है x1 1 पता है अब f(x) की वैल्यू क्या है उसको लिख लेते हैं। सो x2 क्या हो गया -f(0) / f(1) - f(0। f(x) पता है सो आप f(0) पहले निकाल लें और f(1) ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं
सो एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन क्या है, वन और माइनस वन। अब ये दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे अपने इटरेशन प्रोसेस में डाल देते हैं, तो एक्स टू आ जाएगा। तो एक्स टू क्या हुआ, सो एक्स टू इज नथिंग बट 0.5, वन ओवर टू, सो 0.5। एक्स टू हमें पता चल गया, यानी कि न्यू जो रूट है वो पता चल गया। अब हम क्या चेक करेंगे कि जो इंटरवल है किस किस इंटरवल में अब रूट हो सकता है। तो इंटरवल हमारा सिंस स्टार्ट कर रहे थे 0 से 1 में, ये स्प्लिट कर लिया हम लोगों ने। किस किस इंटरवल में आप चेक करेंगे, 0 से 0.5 के बीच हो सकता है रूट, या रूट हो सकता है 0.5 और 1 के बीच। ये स्टेप में हम जो जिस तरह से बाइसेक्शन कर रहे थे इस स्टेप में यही काम करेंगे। तो अगेन अब क्या चेक करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन। सो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0.5 यहां चेक करेंगे, और यहां पे एफ ऑफ 0.5 इंटू एफ ऑफ 1 चेक करेंगे। तो इसके डील करने के लिए, सिंस एफ ऑफ 1 क्या है, नेगेटिव है, हमारे लिए एफ ऑफ 1 क्या है, नेगेटिव है। अब एफ ऑफ 0.5 चेक कर लीजिए वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एफ ऑफ 0.5 अगेन हम क्या रखेंगे, 0.5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0.5 प्लस 1। सो ओवरऑल पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सो एफ ऑफ 0.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और एफ ऑफ 0 क्या था हमारा, एफ ऑफ 0 क्या है, पॉजिटिव। तो कुछ इस टाइप का आपके पास सिनारियो हो गया, जो तीनों पॉइंट्स थे उसके लिए सिनारियो हो गया। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0.5, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है, एफ ऑफ 0.5 क्या है, नेगेटिव है। सो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और एफ ऑफ 0.5 इंटू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0.5 भी नेगेटिव है, एफ ऑफ 1 भी नेगेटिव, ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो दैट मीन्स जो रूट्स है वो कहां लाई करेगा, रूट्स लाइज इन 0 एंड 0.5। सो अब आपका ये रूट्स लाई करेगा 0 एंड 0.5 को। फर्दर हम रेगुलर फॉल्सी मेथड को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ऐसा भी कह सकते हैं आप, ये एक्स नॉट है, ये एक्स वन है, इस तरह से डील कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यूज आई है करस्पॉन्डिंग, एक्स नॉट लिया था, ये एक्स टू लिया था, आप फर्दर एक्स थ्री निकाल सकते हैं। सो ओवरऑल किस हिसाब से लिख रहे हैं हम लोग, अगेन 0 और 0.5, तो जो लेस है वो आपके पास कह सकते हैं एक्स के। तो 0 इंटू एफ ऑफ 0.5 माइनस 0.5 इंटू एफ ऑफ 0, या आप डिनोमिनेटर पहले लिख ले, एफ ऑफ 0.5 माइनस एफ ऑफ 0, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ 0.5 का प्रोडक्ट 0 और एफ ऑफ 0 का प्रोडक्ट 0.5। इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स थ्री निकाल सकते हैं। तो सिंस स्टूडेंट कैलकुलेटर अलाउड होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि एक्स थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी कैलकुलेटर पे, 0.36364। सो वी हैव एक्स थ्री, न्यू इटरेशन, या आप कह सकते हैं न्यू रूट्स और अपडेटेड रूट्स। अगेन आपको क्या चेक करना है कि जो इंटरवल था 0 और 0.5, अब हमारे लिए फिर से क्या हुआ, 0 और 0.5 के इंटरवल को, या कह सकते हैं 0 और 0.5 के इंटरवल को स्प्लिट करेंगे किसमें, 0 से 0.36364 और 0.36364 टू 0.5। और अब क्योंकि हम इंटरवल को बहुत ही स्मॉल करते हुए चले जा रहे हैं, अब फर्दर उसमें हम चेक करेंगे कि रूट्स कहां लाई कर रहा है। तो सिंस स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या की चीज को डिटरमाइन करने की जो है, केवल साइन चेक करना है आपको, एफ ऑफ 0 का साइन चेक करना है, एफ ऑफ 0.36364 का साइन चेक करना है, और साथ ही साथ एफ ऑफ 0.5 का साइन चेक करना है। तो दो साइन हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, एफ ऑफ 0 क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 0, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 0.5 क्या है, लेस देन 0, तो दिस इज लेस देन 0। नाउ हमें क्या साइन चेक करना है, 0.36364 को। सो अगेन आप किस में रख लेंगे, जो एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू 0.36364 रख लेंगे और चेक कर लेंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस केस के लिए तो इस केस के लिए हमारे लिए क्या है, नेगेटिव। अगेन इसकी वैल्यू भी डिटरमाइन जो है जरूरत पड़ती है, इसलिए आप जो है मेंशन भी करते हुए चलेंगे कि वैल्यूज क्या आ रही है। तो अब चेक कर रहे हैं किसको, एफ ऑफ 0 का प्रोडक्ट किसके साथ, एफ ऑफ 0.36364 जो अपडेटेड वैल्यूज आई है, और किसका साइन चेक कर रहे हैं, एफ ऑफ 0.36364 का किसके साथ प्रोडक्ट, एफ ऑफ 0.5। अब ये चेक कर लीजिए कौन सी लेस देन 0 है। तो अगेन एफ 0 क्या है, पॉजिटिव, एफ ऑफ 0.36364 क्या है, नेगेटिव, ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव। एफ ऑफ 0.36364 नेगेटिव, एफ ऑफ 0.5 इज स्टिल नेगेटिव, सो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, यानी इसको आप नेगलेक्ट करेंगे, टेक किसको करेंगे, इसको। तो रूट लाइज इन
जीरो एंड 0.36364। सो स्टूडेंट, 0 से 0.5 के बीच में हमने क्या किया, स्प्लिट किया। क्यों स्प्लिट किया? क्योंकि हमें वैल्यूज आ गई, अपडेटेड एक्स की वैल्यूज आ गई, वो क्या थी, 0.36364। सो इंटरवल ब्रेक किसमें किसमें हो गया, या तो रूट्स 0 से 0.36364 में होगा, या रूट्स होगा आपको 0.63634 टू 0.5 में। तो अगेन एफ जीरो देख लिया, एफ ऑफ दैट वैल्यूज देख लिया, एफ ऑफ 0.5 देख लिया, साइन देख लिया और प्रोडक्ट का साइन देख लिया, तो हमें क्या मिला कि एफ जीरो और एफ ऑफ अपडेटेड वैल्यू वो लेस देन जीरो है। सो देयरफॉर, और जो सेकंड ब्रैकेट था वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो। सो ये आपने क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया। इसको क्या किया हमने, नेगलेक्ट कर दिया, यानी इसमें रूट्स लाई नहीं करेगा, रूट्स ऑलवेज लाइज इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स द प्रोडक्ट है वो लेस देन जीरो। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि रूट लाइज इन दैट इंटरवल। नाउ जैसे ही रूट हमें मिल जाएगा, दैट मीन्स न्यू इंटरवल मिल गया, न्यू इंटरवल मिल गया, तो इसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर फॉल्सी मेथड को फिर से अप्लाई किया जा सकता है। नाउ आपका इंटरवल आपका 0 से 0.36364 है, यानी कि स्मॉल अगर देखा जाए तो इंटरवल छोटा होता हुआ चला जा रहा है, और जिस तरह से इंटरवल छोटा होता चला जाएगा, फाइनली हमें एक्स की वो वैल्यूज मिल जाएगी जिसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो होगा। अगेन स्टूडेंट, हम इसी स्टेप को डायरेक्टली आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हम लिखते क्या है डायरेक्टली, तो एक्स थ्री हम निकाल चुके हैं, इटरेटिव है, तो हम न्यू जो अपडेट कर रहे हैं उसको किसको अपडेट कर रहे हैं, x3 को अपडेट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x4। डायरेक्ट फॉर्मुलेशन किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, जो बड़ी वैल्यूज है उसको हमने ऐसा बॉटम लिखते हैं, तो f ऑफ 0.36364 माइनस f ऑफ 0 दैट इंटरवल के पॉइंट्स, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा ही क्या है न्यूमरेटर में लिखते वैल्यू। ऐसा लिखते हैं, लेकिन 0.36364 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, जीरो, और f ऑफ जीरो का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 0.36364, दैट्स ऑल। तो आप डायरेक्ट किस तरह से मेथड को यूटिलाइज करते हैं, तो आपको यही यूटिलाइज करना है। सो ऑल x4 की वैल्यूज के लिए आप f0 पता है, f ऑफ 0.36364 जो वैल्यूज यहां पे आप चेक कर लिए नेगेटिव है, यानी वो वैल्यू पता है, आप सिंपली यहां वैल्यू रखेंगे और x4 की न्यू वैल्यूज आ गई। तो नाउ स्टूडेंट, हमें न्यू फंक्शन या न्यू वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ एक्स फोर मिल गया, और आप ये भी देखते हुए चले जा रहे होंगे कि एक्स नॉट पे वैल्यूज, एक्स वन पे वैल्यूज, एक्स टू पे वैल्यूज, एक्स थ्री पे फंक्शन की वैल्यू, एक्स फोर पे फंक्शन की वैल्यूज, ये वैल्यू फंक्शन में रख तो रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आ तो रही है, लेकिन ये क्लोज टू जीरो आ रही होगी। यहाँ पे एक्स फोर पता चल गया, अगेन हमारा इंटरवल क्या था, 0 से 0.36364 था। फिर से आप इंटरवल को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे या दो इंटरवल ब्रेक करेंगे, एक इंटरवल क्या होगा, 0 to जो मिनिमम क्या है इसमें 0.34870 वो इंटरवल, और दूसरा इंटरवल क्या होगा जो इसमें मिनिमम है 0.34870 और 0.36364, इन दोनों में वैल्यू को क्या करेंगे, चेक करेंगे फर्दर, और फिर से एक न्यू इंटरवल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल लिख लेता हूँ कि न्यू x5 क्या होगा, आप इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फर्दर हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को जो है लिख रहे हैं, तो इंटरवल हमारा क्या हो गया, 0 टू 0.36364, इसको स्प्लिट किया हम लोगों ने 0 से 0.34870 और 0.34870 से 0.36364। आप साइन चेक कर सकते हैं, तो f0 क्या था हमारा, पॉजिटिव था, f ऑफ 0.36364 जो प्रीवियस स्टेप में आया था वो क्या था, नेगेटिव था, और अब जो आप फंक्शन में वैल्यू 0.34870 पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फर्दर लेस देन जीरो आ जाएगा। आपको इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करना था, ये ग्रेटर देन जीरो, ये लेस देन जीरो, सो दैट मींस इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, और सिंस दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। सो ओवरऑल रूट्स आई होप गेस कर चुके होंगे किस इंटरवल में, तो रूट्स इस इंटरवल में, तो रूट्स लाइज इन 0 टू 0.34870। अगर बोला जाता है फिफ्थ स्टेप लिखे, तो डायरेक्टली बस आपको क्या करना था, x5 कैलकुलेट करना था, वही आपका क्या हो जाता, सॉल्यूशन हो जाता। आप देख भी रहे होंगे कि f ऑफ 0.34870 जो पुट कर रहे हैं तो नियर टू x, नियर टू जीरो हो रहा होगा, x5 और नियर टू जीरो हो जा रहा होगा, यही क्या होता है, अपडेट होता हुआ चला जाता है, रूट्स अपडेट हो रहा है इटरेटिवली। सो इसलिए रेगुलर फॉल्सी मेथड में हम लोग क्वाड मेथड को यूटिलाइज करते हैं, और बेसिकली इस तरह से, क्योंकि फॉर्मुलेशन टफ फॉर्मुलेशन हो जाता है अगर आप रिमेंबर नहीं देखे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अगर देखा किस टाइप से आप रिमेंबर रख सकते हैं, तो आप नीचे वैल्यूज आप क्या करेंगे, पुट करते हैं पहले, तो बड़ी वैल्यूज माइनस छोटी वैल्यूज की ही अकॉर्डिंगली, और जो ऊपर है उसको भी उसी टाइप से लिखेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरवल आया उसकी वैल्यू आप क्या करेंगे, सिंपली पुट करेंगे। तो एक्स फाइव की वैल्यू यहाँ लिख ले रहा हूँ, आप उसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ओवरऑल
आप जैसे ही फिर से रेगुलर फॉल्सी मेथड के इटरेटिव स्टेप को लगाएंगे तो एक्स फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.34741। सो अगेन आप दिख रहा होगा आपको इंटरवल और छोटा होता हुआ चला जा रहा है। सो फर्दर आप इस टाइप को इस स्टेप को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बोला गया कि फिफ्थ स्टेप पे सॉल्यूशन बताइए तो यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। इसमें आप एफ ऑफ एक्स फाइव, एक्स फाइव की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में रख के देख लीजिए, ये नियर टू जीरो हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट इस तरह से अप्लाई करते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड को किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन, चाहे वो अलजेब्रिक हो, ट्रांसेंडेंटल हो, आपको वे पता चल गया, मेथड पता चल गया। हम कुछ कॉन्सेप्ट बाइसेक्शन का भी यूटिलाइज करते हैं। बाइसेक्शन का कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि जो रूट्स लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट मीन्स कैलकुलस का कॉन्सेप्ट। तो बाइसेक्शन मेथड जो यहाँ पे हम लोग ये भी वर्कआउट हम बाइसेक्शन में करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बाइसेक्शन में जस्ट डिफरेंस क्या है, हम उसमें मिड पॉइंट करते जाते हैं, इंटरवल का मिड पॉइंट लेते चले जाते हैं। यहाँ हमें जो न्यू अपडेटेड वैल्यू ऑफ एक्स है वो डायरेक्ट आपको फॉर्मुलेशन से निकालना है, दैट्स ऑल। सो आई होप किस तरह से अप्लाई किया जाता है, फॉर्मुलेशन को किस तरह से रिमेंबर रखते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव किया, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है रेगुलर फॉल्सी मेथड को, दैट मीन्स आप कह सकते हैं मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन को फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए इक्वेशन के लिए। सो हम कॉन्सेप्ट किसका यूटिलाइज करते हैं, रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मुलेशन न्यू अपडेट करने के लिए एक्स की वैल्यूज के लिए। तो इसके लिए आपके पास पर्टिकुलर फंक्शन होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यूज निकालते हैं या न्यू अपडेट फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग दैट फॉर्मूला, और फिर उसको ही हम क्या करते हैं अपडेट करते हुए चले जाते हैं। और कीप इन माइंड फिर से हम इंटरवल को क्या करते हैं स्प्लिट कर लेते हैं और फिर से चेक करते हैं कि किस इंटरवल में आपका अब रूट्स है। इसी को प्रोसेस को हम इटरेटिवली करते हुए चले जाते हैं। तो अगेन क्वेश्चन या तो बोल दे कह देता है सिक्स स्टेप तक निकालिए या सिंपली कहता है सॉल्यूशन निकालिए, तो आप वो देखेंगे जहां जिस एक्स पे इन जनरल हम फिफ्थ और सिक्स स्टेप पे स्टॉप कर लेते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एक्स की वैल्यू वो रखने पे फंक्शन की वैल्यू जीरो के नियर हो गई या नहीं, वही आपका क्या हो जाता है सॉल्यूशन हो जाता है, वही आपका रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन हो जाता है यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। आई होप यू हैव अचीव द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स एंड नाउ यू आर एबल टू रिकॉल द रेगुलर फॉल्सी मेथड। सो अगेन स्टूडेंट रेगुलर फॉल्सी मेथड और बाइसेक्शन मेथड में क्या डिफरेंस था, रेगुलर फॉल्सी मेथड को हम लोगों ने देखा कि इसमें फंक्शन होना चाहिए एक इंटरवल, उसके बाद हम इंटरवल में जो बाइसेक्शन मेथड में होता था हम डायरेक्ट मिड पॉइंट कर लेते थे इंटरवल का, वो न्यू एक्स होता था। इसमें रेगुलर फॉल्सी मेथड में जो न्यू एक्स है वो एक इटरेटिव प्रोसेस से आता है या कह सकते हैं एक फॉर्मुलेशन से आता है, और उसी फॉर्मुलेशन को हम कीप अपडेट करते हुए चले जाते हैं और साथ ही साथ ये देख लेते हैं कि जो रूट्स है वो ऑलवेज लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज। सो दैट मीन जो बाइसेक्शन में भी करते थे हम फर्दर इंटरवल को क्या करते जाते हैं स्मॉल करते हुए चले जाते हैं और फिर इंटरवल्स को स्मॉल करते हुए और ये देख लेते हैं कि रूट्स किस किस किसके बीच में लाई करता है जस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन का पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू देख के। सो आई होप स्टूडेंट यू आर नाउ ऑल्सो एबल टू अप्लाई द रेगुलर फॉल्सी मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए इक्वेशन। तो अगेन क्वेश्चन में आपको हो सकता है अलजेब्रिक हो, ट्रांसेंडेंटल हो, लेकिन वे जो फॉर्मुलेशन है उसी को यूटिलाइज करके हम न्यू अपडेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टॉप कहाँ कर देंगे, या तो आपको क्वेश्चन में बोला जाता है फिफ्थ स्टेप और सिक्स स्टेप तक बताए, या सिंपली आप ये देख लीजिए आफ्टर फिफ्थ स्टेप और सिक्स स्टेप एक्स को वैल्यूज पुट करके एफ ऑफ एक्स जीरो हो रही है, वहीं पर आप क्या करेंगे प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे।